हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अनिरेज क्यू में। और आज हम लोग जिस पे रिएक्शन करने वाले हैं वो एक स्टैंड अप कॉमेडी है बाय राजू चौहान, जहाँ पे है मैरिज, ज्ञान, वर्क फ्रॉम होम एंड पंजाबी सॉन्ग्स। यू नो, वर्क फ्रॉम होम जब स्टार्ट हुआ था, लिटरली मैं मजा आ गया था वर्क फ्रॉम होम करके। मतलब अब 24 घंटे, मतलब 24 घंटे नहीं, मतलब 8 to 9 hours जब वहाँ पे जब आप काम करते हो, वहाँ जा बैठे बैठे भी तो दिमाग जो है ख़राब हो जाता है। और इसमें ये होता है कि आप आराम से बैठ के काम कर रहे हो, जब खा रहे हो, जब पी रहे हो, कोई बॉस की किच किच कुछ 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 नहीं हो रहा है। मीटिंग करनी है तो आराम से एक दिन मीटिंग फिक्स हो जाएगी, आराम से करो। बट यही सेम चीज़ एक और चीज़ प्रूव करती है कि यू नो, आपको 9 घंटे आपको सिर्फ काम करने के लिए ना, मतलब ऑफिस जाना ज़रूरी नहीं होता। हमेशा ये क्यों इमेजिन करना चाहता है कि हम ऑफिस जाएंगे तभी काम ठीक से होगा। हम हार्डली ऑफिस में कुछ ही घंटे काम करते हो, बाकी सारे घंटे अब यहाँ वहाँ टहलते रहते हो, मतलब बातें करते रहते हो और कुछ नहीं होता है। इट्स बेटर कि आप घर पर रहो, आराम से खाओ पियो। बट अल्टीमेटली जब कोविड ख़त्म हो गया तो वर्क फ्रॉम होम भी ख़त्म हो गया था। बट कहीं कहीं अभी भी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो यही उसी पे भी वीडियो है। और एक और चीज़ सबसे बड़ी बात होती है कि यू नो, घर वालों को भी ऐसा लगता है। मतलब स्टार्टिंग में क्या था कि जब मैं अपने घर पे जब मैंने वर्क फ्रॉम होम लेना स्टार्ट किया, तो उनको थोड़ा सा ना बिलीव नहीं होता कि ऑनलाइन में कौन सा काम होने लगता है। लेकिन ऐसे ऐसे बहुत सारे ऐसे ऑफिस भी है अब तो, मतलब टोटली रिमोटली काम होता है, सिर्फ हायर मैनेजमेंट के जो लोग होते हैं वही ऑफिस जाते हैं। तो ये भी मेरे घर पे भी यही था कि उन लोगों को थोड़ा सा शॉकिंग लगा कि अरे घर पे बैठ के भी कोई काम होता है। मतलब उनके माइंड में तो यही था ना कि हमेशा ऑफिस जाके ही काम करना पड़ता है। तो यही था वर्क होम की क्वालिटीज। बट एनीवे, ये आज हमें राजू चौहान की वीडियो पे हम लोग एक रिएक्शन करने वाले हैं, तो लेट्स सी इसमें क्या हमें पता चलेगा। और लाइक आई मीन राजू चौहान की मुझे वीडियोस काफ़ी अच्छी लगती है, काफ़ी क्लीन और शेव वीडियोस होती है एंड उसमें कुछ डेरोगेटरी कुछ यूज़ नहीं होता है। तो देखते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूँ, प्लीज़ गाइस लाइक करो, सब्सक्राइब करो और आप मुझे कॉमेंट सेक्शन पर लिख के बताओ कि आप लोगों को मेरा रिएक्शन कैसा लगा। तो इसके साथ हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दूसरा प्रॉब्लम यह है कि अपनी मम्मी को कन्विंस करना कि तुम घर पे सच में लैपटॉप पे बैठ के काम ही कर रहे हो। ट्रू, वो मेरा सीवी का प्रिंट आउट लेके आई, उसने पेन निकाला, मुझसे कह रही आप नाम बताओ, मैंने कहा रजत, ऐसा इंटरलाइन बोलो चेक करो। फिर गुगली पे करी गई चौहान की स्पेलिंग बताओ, तो मैं जब डर गया, मैंने कहा मैम ये टेलीविजन जो आप कर रहे हो कोई रीजन है इसका? पर्पस मेरे यहां से धोखा हो चुका एक बार। मैंने कहा क्या? लड़का मिला मुझे, उसने बोला कि मेरी 6 digit सैलरी है। तो मैंने कहा क्यों उसकी 6 digit नहीं थी? कह रही उसकी 6 digit तो थी बट लास्ट के 2 0 से पहले डॉट लगाओ। क्या आपने कोई कोट सुना है कि शादी के लिए कहते हैं
marry somebody who loves you, not the one whom you love. Have you heard this quote? Yes. काफी लोगों ने सुना। तो सर यहाँ पे कवि क्या चाहते हैं कि तू प्यार है किसी और का और तू चाहता कोई और है। तू पसंद है किसी और की और तुझे मांगता कोई और है, तो वो पॉसिबल ही नहीं सर, कभी पॉसिबल ही नहीं है। मैंने एक बार लड़की से मिला था सर, एक बार गुड़गांव में सब बता रहा हूँ। तो गुड़गांव मिला, तो मैं ना जब मिला उससे तो मैं मिलने का मेट्रो पकड़ने लगा, तो उसने बोला आई विल ड्रॉप यू फ्रॉम द नेक्स्ट मेट्रो स्टेशन क्योंकि उसी रूट पे है। मैं ठीक है, तो मैं लड़की के ड्राइविंग के बारे में कोई खराब बात नहीं करना चाहता, मतलब आई विल नॉट पॉइंट आउट कि लड़की खराब, मैं उससे चलाते चला। उस लड़की ने पर क्या किया कि उसने एक क्लच पे एयर एक्सेलेरेटर पे और एक हाथ इस पे और एक हाथ हॉर्न पे रखा और वो पूरा रास्ता ऐसे चला रही है, वो मैं हॉर्न दे दी कर चला दी। बहुत ऐसे लोग होते हैं, इस टाइम मैंने बहुत सारे लड़कों को भी देखा ये करते हुए। अच्छी वीडियो थी, इसमें काफी कुछ बहुत ही फनी फनी चीजें बोली गई थी, जैसे कि जब वो लड़की से मिलने गया कहती कि उसको चॉकलेट कहती कि तुम ऐसे लग रहे कि कॉन्सोलेशन प्राइज मिल रहे जिस रीजन में मैं गया भी नहीं हूँ। ओ गॉड, वीडियो बहुत अच्छी थी, बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही फनी फनी वीडियोज, मतलब इसकी बहुत ही फनी वीडियोज लगते हैं मुझे रंजा चौहान के, एंड इट्स वेरी नाइस।
तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पर हम एंड करते हैं। अगर आप लोगों को मेरा रिएक्शन अच्छा लगा प्लीज गाइस लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मुझे आप कमेंट सेक्शन पे लिख के जरूर बताओ कि आप लोगों को मेरा रिएक्शन कैसा लगा।